डियर स्टूडेंट्स, आज मेरे पास एक क्लास के मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर रैशनल नंबर है। आज के इस टॉपिक में मैं रैशनल नंबर्स के बारे में आपको बताऊंगा कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। जैसे कि पहले लेसन में मैंने आपको बताया था कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो वन से स्टार्ट होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर्स। अगर इन्हीं नंबर्स को हम जीरो से शुरू कर दें, 0, 1, 2, 3, 4, 5, उन नंबर्स को हमने बोला था होल नंबर्स। इसके अलावा एक और चीज मैंने बताई थी कि ऑल दी पॉजिटिव नंबर्स एज वेल एज नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, इनका नाम दिया था हमने इंटीजर्स। अब आज जो आपका टॉपिक है, पहला चैप्टर है, दैट इज रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन एक मैंने लिखी है यहां पर, नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड या विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। इसका क्या मीनिंग है? ऐसा कोई भी नंबर जिसको हम पी बाई क्यू की शक्ल में एक्सप्रेस कर सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख लेता हूं यहां पे 3/5, ये एक नंबर लिखा है, और ये ऊपर वाला इसको बोलेंगे हम न्यूमिरेटर एंड नीचे इसको बोलेंगे डिनोमिनेटर। न्यूमिरेटर 3 है, डिनोमिनेटर 5 है। इस नंबर को बोलेंगे रैशनल नंबर। क्यों? इसकी शक्ल जो है ये इज इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, पी बाई क्यू। ऐसे नंबर्स जिनको पी बाई क्यू की शक्ल में हम रिप्रेजेंट कर सकेंगे उनको बोलेंगे रैशनल नंबर्स। लेकिन यहां पे एक कंडीशन है जो मैंने यहां पे लिखा है, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका क्या मीनिंग है? इसमें सिंपल वर्ड्स में ये बताऊं कि ये जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर जो है इट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। क्यों? क्योंकि जब हम डिनोमिनेटर को कहीं भी जीरो के साथ लिखेंगे, 1/0, ये डिफाइंड नहीं होता, ये इनडिफाइंड है, इन्फिनिटी इसको कहते हैं, इसलिए इसका मीनिंग नहीं रहता। सो ये नंबर मैंने एग्जाम्पल्स के तौर पर लिखे हैं 2/3, 5/7, -3/2, 5/1, 8/1, 3/1, ये सारे के सारे क्या है? रैशनल नंबर्स है। रैशनल नंबर्स में हम नेगेटिव भी हैं, पॉजिटिव भी हैं। ऐसे अगर मैं यहाँ पे एक 4 लिख दिया, ये भी रैशनल नंबर है, क्योंकि इसको भी हम रिप्रेजेंट कर सकेंगे 4/1। अब ये पी बाई क्यू की फॉर्म में आ गया। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने इंटीजर्स को हम एडिशन करते थे, सब्ट्रैक्शन कर सकते थे, मल्टीप्लिकेशन कर सकते थे, डिवाइड कर सकते थे, सारी ऑपरेशंस जो है हम रैशनल नंबर्स के ऊपर भी लगा सकते हैं। अब इन रैशनल नंबर्स की एडिशन कैसे होती है, सब्ट्रैक्शन कैसे होती है, मल्टीप्लिकेशन कैसी होती है, और डिवाइड कैसे होता है, डिविजन कैसी होती है, वो हम थोड़ा सा आज पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन लिया है आपको समझाने के लिए। 3/4 एक रैशनल नंबर है, प्लस 1/4 ये दूसरा रैशनल नंबर है। इनकी एडिशन कैसे करनी है हमने, इनको ऐड कैसे करेंगे? तो यहां पे एक बहुत आसान सा है, अगर आपका डिनोमिनेटर सेम है, यहां पे 4 है डिनोमिनेटर, यहां पे भी 4 है डिनोमिनेटर, तो यहां पे सिंपल हो जाता है हमारा कि डिनोमिनेटर इन दोनों का ये कॉमन लिख लिया हमने 4, 3 प्लस 1 क्या हो गया 4/4 को हम फिर 1 लिख सकते हैं। ये तरीका है एडिशन का। लेकिन अगर कहीं ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहां पे डिनोमिनेटर्स सेम ना हो, जैसे यहां पे 3/5 लिखा है प्लस 4/7 है, अब यहां पे ये वाला फार्मूला काम नहीं करेगा। यहां पे अब हम क्या करना है, इसके लिए एक और नई चीज है, मैं आपको बताता चलूं, उसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अप्लाई करना होगा। वो कैसे होगा? वो हमने 3 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करना है और 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। जैसे 3 × 7 = 21, 4 × 5 = 20, और इनके डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर दिया आपस में, 7 × 5 = 35, इन दोनों को ऐड करके 41/35। ये हम ऐसे एडिशन, अगर दो टर्म्स की एडिशन करनी हो वो हम ऐसे कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर सब्ट्रैक्शन करना हो हमें, हमारे पास एक रैशनल नंबर ये है, दूसरा रैशनल नंबर
ये है। सब्ट्रैक्शन के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर भी हमने देख लिया है कि डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, फोर थ्री माइनस वन, थ्री माइनस वन टू, टू बाई फोर, ये भी हमारे पास एक और रैशनल नंबर आ गया है। दूसरा नंबर मैंने जैसे ही ऊपर लिया था, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर मैंने इनको चेंज कर दिया, ये है थ्री बाई फाइव माइनस फोर बाई सेवन। अब इनको जब हमने सब्ट्रैक्शन करनी है, वैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है हमने, थ्री को मल्टीप्लाई करना है सेवन के साथ, दैट इज ट्वेंटी वन, फोर को मल्टीप्लाई किया फाइव के साथ, दैट इज ट्वेंटी, और सेवन इंटू फाइव क्या आ गया थर्टी फाइव, और ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी वन माइनस ट्वेंटी वन बाई थर्टी फाइव। इस तरीके से हम इनकी सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा मल्टीप्लीकेशन। अगर मल्टीप्लीकेशन करना है तो मैंने दो रैशनल नंबर्स यहाँ पे लिख दिए हैं, माइनस फोर बाई थ्री मल्टीप्लाई बाई टू बाई सेवन। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ तो बिल्कुल सिंपल हो जाता है, यहाँ न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। कैसे, माइनस फोर मल्टीप्लाई बाई टू, डिनोमिनेटर में थ्री मल्टीप्लाई बाई सेवन, फोर इंटू टू एट, माइनस एट बाई ट्वेंटी वन, ये हमारा आ गया मल्टीप्लीकेशन। नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी, फोर्थ जो हमारे पास ये आता है वो डिवीजन। अगर हमने दो रैशनल नंबर्स को डिवाइड करना हो, उसके लिए थोड़ा सा आप और ध्यान देना है कि थ्री बाई एट डिवाइडेड बाई फाइव बाई इलेवन, ये अगर हमारे पास एक प्रॉब्लम है, इसको अब सॉल्व करना है, डिवाइड करना है, उसके लिए हमने क्या करना है, पहले थ्री बाई एट हमने लिख दिया, अब सबसे पहले इस डिवीजन को, डिवाइड को हमने कन्वर्ट करना मल्टीप्लाई में। क्या किया, डिवाइड की जगह क्या लिख लिया हमने, मल्टीप्लाई। ये काम तो हो गया, लेकिन अब इसमें क्या करना पड़ेगा, आगे वाले जो टर्म है इसका रेसिप्रोकल लिखना पड़ेगा। अब ये रेसिप्रोकल एक टर्म आ गई आपके पास, सहमत में आपने पढ़ा भी है। रेसिप्रोकल क्या है, अगर हमारे पास एक फाइव बाई टू एक नंबर है, रैशनल नंबर है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल टू बाई फाइव हो जाएगा। मतलब इसको उलट देना है, न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर की जगह चला जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमिरेटर की जगह चला जाएगा। और वैसे ही थ्री बाई एट को, अब इसको अगर हमने डिवाइड को मल्टीप्लाई करना है, आगे वाले नंबर का हमने क्या लिखना है, रेसिप्रोकल। अब क्या ये आ गया इलेवन बाई फाइव, ऊपर क्या था फाइव बाई इलेवन, जब इसको हमने कन्वर्ट कर दिया डिवाइड से मल्टीप्लाई में, ये 11 बाई 5। अब सिंपल वैसा हो गया था जैसे हमने ऊपर मल्टीप्लिकेशन में किया था, 3 इंटू 11 33, 8 इंटू 5 40। अब इस तरीके से आपने एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और साथ में डिवीजन रैशनल नंबर के ऊपर कैसे करनी है। अब इन्हीं क्वेश्चंस को लेके बुक आपको उठा के वहां से एग्जाम्पल लेके इनके ऊपर आपने प्रैक्टिस करनी है, और नेक्स्ट में आप रैशनल नंबर के आगे कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हैं, आगे वाले जो लेसन में मैं आपको बताऊंगा।